Hyundai Venue, Maruti Vitara, Brezza, 4D Sport, Mahindra XUV 300 और आने वाली सभी सब 4-meter compact SUVs को actually अब चिंता करनी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि किया लेकर आ रही है अपनी सब 4-meter compact SUV Sonet जो कि काफी खूबसूरत दिखती है, काफी upright दिखती है और बहुत कुछ ये आपको offer करने वाली है। क्या कुछ है इसमें खास, क्या आपको ये offer करेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट से और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल है वो आपको मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट नजर आ रही है, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स आपको नजर आ रहे हैं। ग्रिल जो है, ग्रिल के अंदर ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है ये फिनिश और इनफैक्ट ये कलर जो है उसके साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप गाड़ी का लोअर पोर्शन देखें तो यहाँ से भी काफी खूबसूरत लग रही है, काफी एग्रेसिव सा बम्पर लग रहा है, स्पेशली जो रेड ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ग्लॉसी सा एक इस्तेमाल हुआ है एयर डैम जो है, तो ये ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो बहुत अच्छा लग रहा है। फॉग लैम्प जो है वो यहाँ पे अभी नहीं दिया गया क्योंकि कॉन्सेप्ट फॉर्म में है, जब प्रोडक्शन मॉडल आएगा तो ऑफकोर्स उसमें ये दिया जाएगा। साइड से अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो काफ़ी अपराइट लग रही है फॉर अ सब 4-meter कॉम्पैक्ट SUV, बहुत ही ज़्यादा अपराइट लग रही है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में उन सब गाड़ियों की कमी है जो बहुत ज़्यादा SUV-ish लगती है, बट यहाँ पर ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रूफ रेल जो गाड़ी का दिया गया है, रूफ रेल आपको ब्लैक और क्रोम फिनिश में दिया गया है, साथ में नीचे वही रेड का इस्तेमाल हुआ है। ये हमने जो रेड इंसर्ट्स हैं ये हमने ऑलरेडी उसमें भी देखे हैं सेल्टॉक्स में इनकी, और वैसे से ही यहाँ पर भी आपको नज़र आते हैं। बाकी फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स है क्योंकि कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन मॉडल जो होगा उसमें ऑफकोर्स चेंज कर दिया जाएगा। इनफैक्ट एलॉयज जो हैं, एलॉयज भी आपको अभी थोड़े कॉन्सेप्ट जैसे लग रहे हैं, रेड का अच्छा इस्तेमाल पर लग रहा है, क्रोम का अच्छा इस्तेमाल लग रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन मॉडल में ये आपको ऑफर किया जाएगा। जो टायर साइज है वो 18 इंच की है, 255/60 सेक्शन के टायर हैं। प्रोडक्शन मॉडल आते आते 16 इंच पे आ जाएंगे क्योंकि फिर आप माइलेज मांगेंगे और माइलेज मांगेंगे तो आपको परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स एक का स्वीट डील हो जाएगी 16 इंच वाली। ORVM की अगर आप बात करें तो ORVM जो है वो भी डुअल टोन में फिनिश किया गया है, क्रोम और ब्लैक का इस्तेमाल आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब मैं आपको दर्शन करा देता हूँ इस गाड़ी के रेयर से, जो कि अगेन बेहद खूबसूरत लग रहा है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको मिलता है, ये टेल लैम्प्स जो है कनेक्टेड लग रही है, LED टेल लैम्प्स आपको मिलने वाली है। नीचे की तरफ आप आएंगे तो वही एग्रेसिव सा बम्पर, कलर कॉम्बिनेशन का बहुत सारा इस्तेमाल, रेड का इस्तेमाल, ब्लैक का इस्तेमाल ग्लॉसी से और मैट का इस्तेमाल, साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो ओवरऑल बहुत ही सटल सी लग रही है। अब सैडली मैं आपको गाड़ी के इंटीरियर नहीं दिखा सकता क्योंकि उन्हें अनवील नहीं किया गया है, बट आप थोड़ा बहुत अगर देख पा रहे हैं क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, तो आपको सेल्टॉस के जैसी ही स्टेयरिंग व्हील नज़र आ रही है। इनफैक्ट जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्रोम से सराउंड किए गए हैं, इसके जो AC वेंस हैं वो भी आपको थोड़े बहुत सेल्टॉस की याद दिलाएंगे, एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको सोनेट सब 4-meter सेगमेंट में देने की पूरी कोशिश करेगा। एंड नाउ द इंजन ऑप्शंस, स्पेसिफिकेशंस और बाकी सारी डिटेल्स जो कि आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले डिमेंशंस, तो क्योंकि ये 4 meter से कम लेंथ की होने वाली है तो इसका मतलब ये है कि ये 3995 mm से लेकर 3998 mm के आसपास होगी लंबाई में, जो कि इसके बाकी सारे राइवल्स की जितनी है। और जहाँ तक इंजन ऑप्शंस की बात है तो ये Hyundai Venue जो इसकी कज़न है उसके साथ में कई सारी चीज़ें शेयर करने वाली है, प्लेटफॉर्म भी ये शेयर करेगी। जो इंजन है वो 1 liter का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 118 bhp निकालने वाला, वो भी इसके साथ में शेयर करेगी। एक 1.2 liter का नेचुरली एस्पिरेटेड जो कप्पा इंजन है वो भी हो सकता है इसके साथ में लाया जाए। और जो डीजल इंजन है अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो आएगा, बट अगर वो आता है तो सेल्टॉस वाला जो 1.5 liter डीजल इंजन है उसे डीट्यून करके लाया जाएगा। तो यही होंगे सारे इंजन ऑप्शंस, और क्योंकि किया कि हमेशा से आदत है कि ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ऑफर करते हैं, तो ये दोनों के दोनों आपको इसके साथ में ऑफर किए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि मैं एड्रेस नहीं कर पाया इस वीडियो में इस प्रोडक्ट से लेकर, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।